नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश गौड़ और आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। कुंडली जीवन का एक सबसे बड़ा आधार है। कुंडली के माध्यम से आप अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी गणनाओं को जान सकते हैं। कुंडली आपके जीवन के सारे रहस्यों को बता सकती है, समस्याओं को बता सकती है, समाधान भी बता सकती है। कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। इसके 12 भाव होते हैं, एक से लेकर के 12 अंक इसके अंदर सम्मिलित रहते हैं और उसी के आधार पर राशियों की गणना भी की जाती है। इसके अंदर बैठे सभी ग्रह आपके जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। कुंडली का पहला भाव यानी लगन। लगन से हम तीन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला है आपका शरीर, दूसरा है रंग रूप और तीसरा है स्वास्थ्य। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में लगन के अंदर पहली राशि अगर सॉफ्ट है और अच्छा ग्रह उसमें बैठा है, सपोर्टिंग वाला है, तो आपकी कद काठी और आपका रंग रूप बहुत अच्छा होगा। आपका शरीर का डील डोल बहुत बढ़िया होगा। स्वस्थ और रोगी होने का कारण भी यहीं से पता चल जाता है। साथ ही साथ में आपके चेहरे पे जो हाव भाव होंगे वो ग्रह को प्रेजेंट करते हुए होंगे। लगन यानी पहले भाव में जो भी अंक लिखा है और जो भी उसमें ग्रह बैठा है, ये दोनों आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर मान लीजिए वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले या सम हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, और अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले नहीं हुए तो इसका सीधा असर आपके शरीर पर आ जाता है। आपके शरीर में या तो कोई विकृति आ सकती है या कोई रोग आ सकता है या दिखने में आपके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की। दूसरे भाव से तीन चीजों को देखा जाता है। सबसे पहला आता है धन यानी संचित धन, दूसरा है कुटुंब यानी आपका परिवार कुनबा, और तीसरा पॉइंट है आपका वाणी। जैसे कि अगर आपके दूसरे भाव के अंदर कुंडली से जुड़ता हुआ या मिलता हुआ या उसको सपोर्ट करता हुआ ग्रह बैठा है तो आपके पास बहुत अच्छा धन होगा, बहुत सारा धन होगा। आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है या फिर आपको गिफ्ट की हुई संपत्ति भी मिल सकती है, या आप अपनी मेहनत से इतना धन अर्जित कर लेंगे कि आपके लिए दुनिया कहेगी यार वास्तव में ये इंसान ने बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा है कुटुंब। अगर वहां पर अच्छा ग्रह बैठा है, अच्छी राशि बनी हुई है, योग अच्छे बने हुए हैं, तो आपका बहुत संपन्न परिवार होगा, बहुत ही विस्तृत परिवार होगा, कुटुंब में सभी रिश्तेदार आपके चहेते होंगे। तीसरा बात करते हैं वाणी का। यही असर वाणी पर भी आता है। अगर वहां पे अच्छा ग्रह है, अच्छी राशि है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी वाणी में एक मधुरता होगी, एक सौम्यता होगी, दूसरों को अट्रैक्ट करने की शक्ति होगी। अगर यहाँ पे अपोजिट हो गया तो वहीं आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी, दूसरों को चुभने वाली होगी, या जाने अनजाने में आप ऐसा कुछ बोलेंगे जो लोगों को कहीं ना कहीं चुभेगा। अब हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरे भाव में दो चीजें सबसे ज्यादा सम्मिलित की जाती हैं। पहला है पराक्रम और दूसरा है संघर्ष। मान लीजिए तीसरे भाव के अंदर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपके कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो ये आपके जीवन के संघर्ष को अपने आप खत्म कर देगा या बिल्कुल कम कर देगा। और दूसरा है पराक्रम। ये आपके पराक्रम को इतना ज्यादा बढ़ा देगा, इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आपके ऑरा के अंदर आते ही दूसरे लोग अपने आप जीरो हो जाएंगे। मान लीजिए आपके तीसरे भाव में मंगल बैठा है और उसकी राशि भी अच्छी बैठी है साथ में, तो ये दोनों मिलकर के आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। आपके अंदर बहुत अच्छी पावर आ जाएगी। आप जब भी किसी से बात करेंगे या जब भी कुछ बोलेंगे तो उसका वजन पड़ेगा, दूसरा सामने वाला आपको खड़ा होकर के सुनेगा। अब हम बात करेंगे चौथे भाव की। चौथा भाव जो कि माँ से रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज्यादा इसी चीज पर असर है। दूसरा है सुख। आपके जीवन में आपको कितना सुख मिलेगा ये भी इसी पर डिपेंड करता है। तीसरा है वाहन और संपत्ति। आप अपने पराक्रम से कितनी संपत्ति बनाएंगे, कौन कौन से वाहन खरीदेंगे, ये भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है जो कि इसका कारक है, तो आपके जीवन में अपने आप ही सुकून, शांति, सौभाग्य सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। माँ का आशीर्वाद आपको जीवन भर मिलेगा, यानी आपकी उम्र तकरीबन 60-70 तक रहेगी जब भी आपको माँ का साथ प्राप्त होगा। माँ के आशीर्वाद के साथ ही आपके जीवन की शुरुआत होगी, आपको बढ़ चढ़ कर काम करने का मौका मिलेगा, और माँ के आशीर्वाद से ही आपके जीवन के सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे कुंडली के पांचवें भाव की। पांचवा भाव सबसे पहले अगर इसको देखा जाए तो ये संतान को दिखाता है, दूसरा ज्ञान को दिखाता है और तीसरा विद्या को दिखाता है।
पांचवें भाव की तीन भूमिकाएं अलग अलग हैं। जब आपका उम्र छोटी रहती है या चाइल्ड एज मान लीजिए आप, तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है, आपकी विद्या के अध्ययन को बढ़ाने का काम करता है। जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते चले जाएंगे, इसके कुछ ना कुछ अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। ज्ञान की बात अगर अपन करते हैं, तो जब आप एक मैच्योर स्टेज पे आ जाते हैं, उसके बाद ये पांचवा भाव का जो भी अंक लिखा हुआ है या जिसमें जो भी ग्रह बैठा है, वो आपके ज्ञान को किस लेवल तक लेकर के जाएगा ये दिखलाता है। इसके बाद जब आप विवाह के योग में बन जाते हैं, तो उसके बाद जो संतान प्राप्ति है या संतान किस तरह की होगी, या आपको सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपकी संतान भविष्य में आपका कितना नाम बड़ा करेगी, ये पूरा का पूरा जो भी है ये सब पांचवें भाव से ही देखा जाता है। बाकी के भाव की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे के पार्ट में इसकी जानकारी आपको देंगे। ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और आपका बहुत सारा प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद।